ये तू जानता है ये कौन है? हाँ, मैं जानता हूँ। हम तो बहुत पुराने बचपन के दोस्त, जिगरी दोस्त, ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर दोस्त, रानी सूर्याबाई बुलबुलचंद। रानी सूर्याबाई बुलबुलचंद? अबे साले, तुम दोनों अंदर, वो भी बाथरूम में, वो भी दरवाजा क्लोज है, और तो पूछता ही है कौन है? मुझे लड़ू समझता है क्या? पता कौन है ये? तेरी कसम मैं नहीं जानता ये कौन है। बंद करिए मामा जी, मामा जी। क्या बात है बेटे, इतना क्यों चिल्ला रही हो? ये बच्चों का अनाथालय है या गुंडों का अड्डा? ए, 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 गुंडा किसे बोल रही है? ए, 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 तुमको बोलिए, और किसको? अच्छा, पहले मुझको भान बोला, फिर इसे गुंडा। ये बिल्कुल गलत बात है। ये गलत बात है। ऊंट की तरह मुंह उठाया और बाथरूम में घुसाया, ये गलत बात नहीं है। और तुम किसी और के बाथरूम में नहाने के लिए घुस जाओगी, ये गलत बात नहीं है। हाँ, बिल्कुल गलत बात है। तुम चुप रहो। अरे तुम लोग आपस में झगड़ते रहोगे या मेरी भी कुछ सुनोगे? मामा जी, मैं आपकी बात बाद में सुनूंगी, पहले ये बताइए ये दोनों बदमाश है कौन? बताने का मौका दोगी तो बताऊंगा ना। ये दोनों हमारे इस छोटे से स्वर्ग के देवता हैं, बलवीर और अनवर। अनवर, बलवीर। ये अनवर और बलवीर। हाँ, और भाई ये मेरी भांजी है, पड़ोस के गांव में भैंसों का तबेला है इसका। ये आपकी भांजी है? जी, आप अनवर जी? बलवीर जी? जी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई जी। क्या हुआ कि पहचानने में भूल हो गई ना, ना जाने क्या क्या बगदी, बहुत बड़ी मिस्टेक। हाँ, कोई बात नहीं, ऐसी मिस्टेक तो होती रहती है। अरे तुम चुप रहो जी। वो क्या है, मिस्टेक मेरी थी, मुझे बाथरूम में घुसने से पहले इधर उधर देख लेना चाहिए था। यस, मिस्टेक मेरी थी। नहीं, मिस्टेक आपकी नहीं थी, मिस्टेक मेरी है जी, बाथरूम तो आपके है ना। यस, मैंने क्या किया, वो कड़ी लगाना भूल गई थी। कोई बात नहीं, कड़ी भले बंद नहीं थी, फिर भी मुझे बाथरूम में घुसने से पहले आवाज देकर अंदर आना चाहिए। मिस्टेक मेरी थी। नहीं, मिस्टेक आपकी नहीं है, मिस्टेक मेरी है जी। नहीं, मिस्टेक मेरी थी। नहीं, मिस्टेक मेरी है। एक बात बोलूं, ये मिस्टेक के चक्कर में जी लगता है मिस्टेक हो ही जानी है। जी। आप जैसे अच्छे आदमी को ना जाने मैंने क्या क्या बन दिया, बहुत बड़ी मिस्टेक होगी जी। कोई मिस्टेक नहीं हुई, मैं भूल गया हूँ, आप भी भूल जाइए। मैं कैसे भूल सकती हूँ, बहुत बड़ी। नहीं, कोई मिस्टेक नहीं हुई। देखिए, आप खाना खा लीजिए, नहीं तो मेरा दिल टूट जाएगा। खा लीजिए, इसका दिल बहुत नाजुक है, शीशे की तरह टूट जाएगा। वो अलग बात है, कई बार टूटा कई बार जुड़ा, लेकिन इस बार टूट गया तो नहीं जुड़ेगा। वहां नहीं, यहाँ बैठो, खाइए ना। ठीक है, आप लोग इतना कहते हैं तो खा लेती हूँ। हाँ, खाइए ना, लीजिए। सुना है आपका तबेला है? जी। कितनी भैंसे हैं? 25 भैंसे और एक भैंसा। 25 भैंसे और एक भैंसा? इधर क्या लकी भैंसा यार वो। वैसे आप लोग के क्या धंधा है? हम लोग पकड़ने का छोड़ने का। पकड़ने के छोड़ने का? हाँ, वो क्या है कि हम लोग पुलिस में है ना, तो जब दिल करता है छोड़ देते हैं, जब दिल करता है पकड़ लेते हैं, छोड़ देते हैं पकड़ लेते हैं। थानेदार। क्यों रात में परेशान कर रहा है यार, खटपट कट रहा है क्या? नहीं मच्छर। नहीं और क्या? नींद नहीं आ रही। तो क्या आ रही है? शर्म आ रही है, शर्म। ए, उस लड़की के साथ बाथरूम में कुछ मिस्टेक किया क्या? अरे नहीं, उसने मुझे नंगा जो देख लिया था। तो क्या हुआ, मैंने भी कई बार देखा है, साला जब भी सोता है लुंगी ऊपर उठ जाती है। अरे तेरी बात और है, तू लड़का है,
वो लड़की है। लड़की है तो क्या हुआ यार? ओफो, वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? अंकल बोल दीजिए। आप अचानक यहाँ? सब खैरियत तो है ना? माफ करना, बच्चे लोग खेल रहे थे। मैंने कितनी बार तुमसे कहा है कि जमीन खाली करवा दो? अरे सेठ जी, जमीन खाली करवा कर आप क्या करेंगे? बेचारे मासूम बच्चे कहाँ जाएंगे? जहन्नुम में जाए बच्चे। सेठ जी, इन्हें जहन्नुम में भेजकर यहाँ अपनी समाधि बनाने का प्लान है क्या? मुझसे जबान लड़ा रहे हो? समाधि तो तुम्हारी बनेगी, इन बच्चों की बनेगी। आग लगा दो इस आश्रम को। अगर आइंदा इस आश्रम की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना, तो वाकई तेरी समाधि इसी जगह बना दूंगा। सेक्रेटरी सर, क्या हो गया सर? ठीक है, तुम नीता भंडारी को फोन करके बोलो हमसे फौरन आकर मिले। ओके सर, समझे। हेलो भंडारी साहब, मैं मुत्तुस्वामी बोलता जी। आप बंगले पर इमीडिएटली हो ना जी? हाँ जी। क्या बात है, आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। नहीं कोई खास बात नहीं, तुम जाओ। कैसे हो रंजीत? अरे आओ आओ भंडारी, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ। क्या बात है, आज हमें सुबह सुबह याद कर लिया सब, खैरियत तो है? कुछ बात ही ऐसी है, कुछ साल पहले मेरे ससुर ने बेवकूफी में करोड़ों की जायदाद अनाथ आश्रम को दे दी थी। किसी तरीके से मैं वो जमीन खाली करवाना चाहता हूँ। देखो भाई, कानूनी चक्कर में पड़ोगे तो अदालत में बरसों लग जाएंगे, और इस बात की भी कोई गारंटी नहीं है कि अदालत तुम्हारी हक में फैसला दे। ये काम सिर्फ चालाकी और बदमाशी से ही हो सकता है। उसकी कोशिश में कर चुका हूं, बलवीर और अनवर नाम के आदमी ने उस कोशिश को नाकाम कर दिया। मैं तुम्हें ऐसे आदमी के पास भेजूंगा जो अकेला 2000 आदमियों पर भारी पड़ेगा। कौन है वो आदमी? इस शहर का बेताज बादशाह, मेरा खास आदमी है। इस शहर के कानून और ताकत को अपनी जेब में रखकर घूमता है, उसका नाम है शक्ति सिंह। Please sit down. Thank you. हाँ तो
आप अनाथ आश्रम की जमीन खाली कराना चाहते हैं हा? ताकि उस पर 5-स्टार होटल बना सको। जी हाँ। मामला काफी उलझा हुआ मिस्टर, अपना क्या नाम है? रंजीत सर। हाँ मिस्टर रंजीत, ऐसी जगह पर कुछ किया जाए, ये प्रेस वाले ये सोशल वर्कर्स काफी हंगामा खड़ा कर देते हैं, मगर क्योंकि मेरे दोस्त मिस्टर भंडारी ने सिफारिश की है ये काम तो करना ही पड़ेगा ना, मगर मेरी एक शर्त है। शर्त? उस जमीन और होटल में मेरा बराबर का हिस्सा होगा। ये कैसे हो सकता है? सोच लीजिए मिस्टर रंजीत। एक्सक्यूज मी सर, आपका फोन है दिल्ली से। हेलो सर, आई एम गुलाटी हियर। हाँ बोलो गुलाटी। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी जमीन खाली करवा दी। अरे इसमें धन्यवाद की क्या बात है, पैसा लिया था, जमीन तो खाली करवानी थी ना। हाँ एक काम करना गुलाटी, वो मेरी जो बैलेंस पेमेंट है ना मेरे दिल्ली के ऑफिस में जमा करवा देना। हो जाएगी सर। ये लो। तो फिर क्या सोचा आपने मिस्टर रंजीत? सर 50% पार्टनरशिप पक्का सर। मुझे स्वामी सर जमीन नहीं मिले इससे ये अच्छा, करेक्ट? ठीक है, मुझे मंजूर है। तो ये एग्रीमेंट के कागजात तैयार करवा लीजिए। जी आपका काम हो जाएगा। ओके। आ गए आप? क्या मांगा भगवान से हमारे लिए भाग्यवान? आपके लिए भगवान से कुछ मांगने की जरूरत है क्या, सब कुछ तो दिया है उसने। अब तो मैं बस सब कुछ अपनी बेटी निशा के लिए मांगती हूँ, भगवान करे मेरे हिस्से की खुशी भी उसे मिल जाए। इस सादगी पे कौन न मर जाए ए खुदा, कत्ल करते हैं और हाथ में तलवार भी नहीं। गर दिल में है मोहब्बत तो इजहार क्यों नहीं करते, मेरे प्यार से नहीं जब इनकार तो इकरार क्यों नहीं करते। क्या करूं, जब भी प्यार की बात करना चाहता हूं तो मेरी जुबान जैसे पत्थर सी हो जाती है। तुम एक काम करो तो मेरी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तुम ही पहले कह दो ना कि तुम मुझसे प्यार करती हो। प्यार में शॉर्टकट नहीं ढूंढा करते, वैसे भी ये बात पहले लड़के को ही करनी चाहिए। हिम्मत करूं? ओके।